आज पहला दिन टूर्नामेंट का, एसआर के टूर्नामेंट, और हमारी टीम रेडी है। ये ग्राउंड की ओर जाते हुए आयाज भाई, साहिल भाई, छोटू भाई और मैं बिलाल भाई, रणवीर भाई नाम है। देखते हैं आज क्या होता है। इस साल का पहला लीग खेलते हुए हम, पहला मैच हमारा तलहा 11 के साथ में है। हमारी टीम तो रेडी है, देखते हैं अब क्या करते हैं। प्रैक्टिस तो जोरों शोरों से आपने देखी होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे हम स्टोरी अपलोड करते रहते हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। क्लाइमेट भी डल है आज, क्लाइमेट भी देखते हैं। अभी थोड़ी बहुत हवा भी है, धूप भी है और महाबलेश्वर में ठंडी बहुत छूट गई है। देखते अब क्या होता है क्या नहीं। तो ये हमारे आयाज भाई और ये साहिल भाई, जिनका YouTube चैनल है आप देख सकते हो, और वो हमारे प्रेक्षक है, हमारे बच्चे, हमें चीयर करने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये दूल्हा ब्रेक पकड़ के रखी इधर। ये समझ भाई, चलो मैच है, चलो। ये प्रेक्षक हमारे, करीब करीब अपन कितने साल बाद खेल रहे छोटू आज? करीब करीब हम एक साल के बाद, एक साल बाद आज हम क्रिकेट लीग खेल रहे हैं। फर्स्ट ट्रॉफी। तैयारी तो हमने 20 दिन से करी है, 20-25 दिन से हम लोग, 20-25 दिन से हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करे जा रहे हैं। जिसको जैसा भी वक्त मिलता है वो वैसे प्रैक्टिस करने चला जाता है। इंशाल्लाह देखते हैं, जिसका खेल अच्छा होगा उसकी जीत होगी। तो मिलते हैं आपको पोलो ग्राउंड के रोड पे। तो आ गए अभी हम पोलो के रोड पर। ये जो रोड जाता है वो हमारे पोलो ग्राउंड की तरफ जाता है, जो हमारा होम ग्राउंड है, जिसे हम पोलो ग्राउंड कहते हैं। बहुत ही फेमस ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारी टीम्स अच्छी अच्छी ट्रॉफीज मारते रहती है। यहाँ पे साल में 8 से 10 टूर्नामेंट्स होते हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेंगे कि 8 से 10 टूर्नामेंट में 4 से 5 टूर्नामेंट विनिंग हम ही करें। देखते अब। क्या बोला आयत को? पुणे जाने का बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा रोड गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ होता है। अभी एक भी गाड़ी नहीं दिख रही आपको। जैसे हमारी नाकिंदा की मैच स्टार्ट हो जाएंगी वैसे आपको यहाँ पर गाड़ियों के हॉर्न और बहुत सारी गाड़ी आपको नजर आएंगी। ये हमारा होम ग्राउंड है और ये हमारे इरफान भाई की बैट राज AK-47। ये हमारा होम ग्राउंड है। अभी तो आपको पब्लिक नहीं दिख रही है, वो साइड में जो है वो हमारा खेमा है, हमारा पवेलियन नाकिंदा का। आज से 90s के जमाने से खेलते आए हैं ये आयाज भाई हमारे, जो आपको पीछे दिख रहे हैं, जो हमारे कप्तान है, सीनियर है। अब जैसे उनकी दाढ़ी वगैरह तो देखो सफेद हो रही है। अब इंशाल्लाह उन्हें कोच बनाने का हमारी तैयारी है, पर वो क्या है कोच बनना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि जब तक जान है हम 10 साल खेल सकते हैं। और उनकी फिटनेस 90s से देख रहे हो, उनकी फिटनेस देखिए। जैसे आप देख सकते हो, यस ये पीछे जो बच्चे साइड में खेल रहे हैं, ये पीछे हम जो खेलते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से खेलते हैं। जो हमारा पिच होता है, जो हमारी बाउंड्री होती है वो 60-65 यार्ड्स की होती है। ये हमारे आइकॉन है। 90s के वक्त के जो आइकॉन थे उन्हें हम फिर से लाते हुए, और आज भी इनके बाजुओं में दम, आज भी इनके बाजुओं में दम है। थोड़ा सा फिटनेस में खराबी है, देखते हैं। ये है समीर भाई नालबन उर्फ नेहरा, जो हमारे ओपनर बॉलर के नाम से जाने जाते हैं। ये आइकॉन हमारे माजी कोच रहते हुए,
ये यासीन भाई चौगले, ये हमारी टीम है, धीरे धीरे अब आ रहे हैं। हमको हर किसी को फोन करना पड़ता है, जैसे हड्डी हुआ, बाकी सारे प्लेयर होते हैं जैसे शादाब अंकल होते हैं, उन सबको फोन करके बुलाना पड़ता है। ये जो छोटे बच्चे, उस दौरान से हम भी आया करते हैं पोलो पे हमारे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड मैच के दौर। टॉस हो गया है तो तलाई इलेवन टॉस विन है। हम लोग नाकिंदा टॉस हार चुके हैं तो उन्होंने चूज किया कि फील्ड करेंगे। बैट हमारे पास में आ चुका है तो ओपनिंग साहिल भाई करेंगे, उनके साथ में शानू भाई जाएंगे। देखते हैं, 8 ओवर की मैच है, क्या स्कोर बनता है क्या नहीं। ये हमारे टैनी पटेल है, आने वाले दूल्हे। टैनी भाई हाथ दिखाओ। इनकी तरफ से 2 साल पहले बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। साहिल भाई चलो कम ऑन, खेलना है अपने को। 8 ओवर के मैच में पहले 2 ओवर पावर प्ले रहे कंटिन्यू, और तीसरी ओवर में नहीं, 4 मारे, 3 मारे, एक है, 2 है और उधर आगे तो ला लिया। एक है मैं प्रेक्षक, अभी और भी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है। इस साल की पहली इनिंग और पहला बॉल, स्ट्राइक पे है साहिल भाई, नॉन स्ट्राइक पे है शानवाज भाई। पहला बॉल इस सीरीज का, इस टूर्नामेंट का, इस लीग का फर्स्ट मैच। ये स्टार्ट, पहला ही बॉल शॉट है साहिल भाई ने, बहुत बेहतरीन तरीके से मारा है और पहला ही बॉल चौका, 4 रन बटोरे इन्होंने। साहिल भाई बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, देखते हैं अब क्या होता है। एक बॉल में 4 रन तो हमने बटोर लिए। यस शाबाश, बोलो कुछ राजा भाई, राजा भाई जल्दी बोलो, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे वो बोल रहे हैं। लेट्स सी, ये दूसरा बॉल और ये इन्होंने ऑफ साइड में प्लेस करके, चलो ये डॉट बॉल, कोई बात नहीं। दो बॉल में 4 रन है, तीसरा बॉल, ये नो बॉल है और ये सिंगल रन। यस, तो 2 बॉल में अभी ये 2 रन मिला है, एक गिला है नो का और एक रन का जो भाग के लिया, जो पिछला बॉल था वो कवर हो गया है, तो 2 बॉल 6 रन है। शानवाज भाई स्ट्राइक पे, ये लो फुल टॉस डॉट बॉल, राजा भाई, ओ राजा भाई, 3 बॉल में 6 रन हो चुके हैं। ये चौथा बॉल डालते हुए 6 रन हो चुके शानू भाई स्ट्राइक पे, और ये डॉट बॉल, शानू भाई ने देखकर खेलना चाहिए। बगुन मारा शानू भाई, ये ऐसे प्लेयर है, एक बार लग गए तो फिर सामने वाले को तोड़ के रखते हैं और नहीं लगे तो फिर हमको तोड़ के रख देंगे। देखते हैं आप कैसा है। 6 रन हो गए, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 रन, 6 रन मिलते हुए 3 बॉल डॉट गए। पहले बॉल में चौका मार लेते थे और ये इन्होंने हवा में मारा है और ये हो सकता है 6 जाए और ये है 6, नाइस शॉट। तो एक ओवर में 6 रन, 3 बॉल जो गवाए थे, अगर उसमें सिंगल सिंगल भी आते तो आज 13 रन होते हमारे एक ओवर में, कोई बात नहीं। 10 बॉल में 12 रन हो गए, 6 बॉल में 12 रन, सॉरी 10 बॉल मैंने बोल दिया था गलती से, 6 बॉल में 12 रन एक ओवर में। यहाँ पर आयस भाई 12 रन हो गए, मतीन भाई, ये वन डाउन प्लेयर है, बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस लीग। मतीन भाई
कोई नहीं, अच्छा स्कोर चला है हमारा। हमारा टारगेट तो था कि 10-10 रन से चलेंगे हम, ताकि 8 ओवर में 80 रन बन सके। और बॉलिंग लाइनअप हमारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो हम कवर कर सकते हैं। पर 12-12 मतलब 2 रन से अगर एक्स्ट्रा पे हम, तो हम कवर कर सकते हैं ज़्यादा लीड से। कौन सा प्लेयर है? बॉलर पहली बार देखे मैंने। कौन है? अरे मैं पण पहली बार देख रहा हूँ। चलो ठीक है, सेकेंड ओवर का फर्स्ट बॉल और साहिल भाई स्ट्राइक पे। साहिल भाई ने ये पीछे साइड में कट किया हुआ है और ये चौके की ओर बॉल जा रहा है। देखते हैं, पर ये 2 रन का है इनका और ये 2 रन कंप्लीट। थोड़ा सा और फोर्स में होता फ्लिक तो हो जाता। कोई बात नहीं, एक बॉल में 2 रन आ गए। देखते 12-2, 14 रन होते हुए। छोटू रन गिना तो खाली, क्या मेरे को बोलते जा। सेकेंड बॉल साहिल भाई स्ट्राइक पे फिर से। और ये इन्होंने, ओ नाइस, सिंगल पे इन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। तो सिंगल अब 2 बॉल में 15 रन हो चुके हैं। सेकेंड ओवर और शानवाज भाई स्ट्राइक पे। ऑफ साइड में तो पूरा खुला रखते हुए सारे फील्डर्स लेग में लगाए। ऑफ साइड में बहुत बड़ा गैप है, अगर ऑफ साइड में बॉल जाते हैं तो 4 रन आने की क्षमता है। शानवाज भाई फिर से, और शानवाज भाई ये वाइट बॉल है ये, और ये लेग बाई का रन मिल सकता है हमें। 4 रन लेग बाई की तो में 4 रन मिले हमें, मतलब टोटल 5 रन आ चुके हैं इस बॉल में, 0 बॉल में। धुले में आते हुए, धुले में हमारे, यस 3 बॉल हो चुके हैं इनके। रन कितने हैं छोटू भाई? 20 रन हो चुके हैं। तो शानू भाई के जो पिछले के 3 बॉल डॉट थे, इससे पहले का एक डॉट था, वो कवर हो चुका है बॉल। देखते हैं फिर से फोर्थ बॉल, और ये इन्होंने लो फुल टॉस में डाला है। सिंगल रन भागते हुए साहिल भाई, और ये रन कंप्लीट। 4 बॉल हुए ना? 4 बॉल। साहिल भाई स्ट्राइक पे फिर से। इस ओवर के 2 बॉल मिलते हुए साहिल भाई ऑफ में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर उन्हें ऑफ में बॉल मिला तो कंपलसरी चौका ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये लेग में बॉल था इनका, और ये सिंगल रन मिला। साहिल भाई बहुत अच्छे से खेलते हुए जहां का बॉल वहीं पे मारते हुए। शानवाज भाई को इस ओवर का लास्ट बॉल मिलते हुए, शानवाज भाई स्ट्राइक पे फिर से। ये लास्ट बॉल दूसरी ओवर का, और ये मारा है इन्होंने हवाई फायर, और ये ओ नाइस कैच बाय राज। थोड़ा सा रह गया, देखते हैं अब। कोई बात नहीं, हार्ड लक। दूसरी ओवर के लास्ट बॉल पे हमारी एक विकेट जाते हुए। मतीन अब जाते हुए तीसरी ओवर में जो है पारी संभालेंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। नाइस बैट शानू भाई, बैट दिखाओ यहाँ पे। आपने जो 6 मारा बेहतरीन था, ये भी थोड़ा सा बच गया, थोड़ी सी और पावर लगती थी इसमें तो ये भारी था। देखते हैं अब 2 ओवर हो गए। स्कोर क्या हो गए वाहिद भाई? 22। 2 ओवर 12 बॉल में 22 रन हमारी टीम ने बटोरा है, और एक विकेट गवा कर। जो ओपनर गए थे शानवाज भाई, उनका विकेट गया है। अब गए वन डाउन पे जो है वो मतीन भाई नाम है उनका। अब देखते हैं क्या होता है। मारनी जैसे साहिल, शाबाश खेलने का भाई। कंटिन्यू और ले पावर प्लेयर की। तीसरी ओवर का पहला बॉल साहिल भाई स्ट्राइक पे, मतीन भाई नॉन स्ट्राइक पे, और ये पहला बॉल मारा इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से लेग साइड में,
चौके की ओर बॉल, साहिल भाई बहुत बेहतरीन खेलते हुए, साहिल भाई ऐसे ही खेलना है, शाबाश। मुझे ऐसे लगता है जब भी हम वीडियो निकालते हैं प्रैक्टिस में भी साहिल भाई बहुत बेहतरीन शॉट मारते हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है अभी के वीडियो निकाला जा रहा है इसलिए बहुत बेहतरीन शॉट मार रहे हैं। यूट्यूब पे लाइव होना है उन्हें। ये लेग में बॉल और ये हवा में बॉल जाते हुए सेफ है, गैप में बॉल है, कोई बात नहीं है, और दो रन मिलना ही चाहिए यहाँ पर, और ये तीन रन की मांग है यहाँ पर, देखते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉप किया है साहिल भाई के, तीन रन कंप्लीट, और इस बॉल में तीन रन आ चुके, मतलब इनके दो बॉल में सात रन आ चुके हैं। अब मतीन स्ट्राइक पे, साहिल भाई नॉन स्ट्राइक पे। साहिल भाई कुछ तो बता रहे हैं उन्हें कि गेंद आपके हिसाब से मिल सकती है आपको, आप मार सकते हो, तो आप देख सकते हो कैसे खेलना है कैसे नहीं। तनवीर भाई उर्फ तन्नू जो हमारे महाबलेश्वर के रहने वाले हमारे भाई है, जो वो बॉलिंग पे, उनका थर्ड बॉल मतीन के लिए, मतीन का इस इनिंग का फर्स्ट बॉल। ओ माय गॉड, साहिल भाई की जो कच्चा लींबू विकेट गिर चुकी है, तन्नू भाई ने चालाकी बहुत बेहतरीन किया है, तो आयस भाई को जाने दो, आयस भाई को जाने दे। आयस भाई को, चलो ठीक है। मुजम्मिल जाते हुए स्ट्राइक पे, साहिल भाई ने बहुत बेहतरीन खेला था, इनकी ये जो है जो अपन बोल सकते हैं मेरी भाषा में कि फुकट विकेट गई है, ये फुकट लिंबू आउट गया है, लिंबू आउट। जैसे हमारे जाहिद भाई, बच्चे लोग थोड़ा सा पीछे सरको, जाहिद भाई यहाँ पे देखो, ये जो विकेट आपको पसंद आई नहीं, जो साहिल भाई ने बहुत बेहतरीन खेला था पर जो है वो लिंबू आउट हो चुके हैं, कोई नहीं, हार्ड लक इस इनिंग का, लिंबू आउट पुकड़ का विकेट देते हुए। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी साहिल बहुत गड़बड़ किया तूने भाई, कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब ये बॉल फिर से तन्नू भाई का और ये मतीन को, ओ नाइस बॉल, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये डॉट बॉल है, 27 रन होते हुए एक खाली पीली की एक विकेट फिर से। ओ ये पेस नहीं है, मतीन गलत शॉट मार रहा है, मतीन शाबाश, देख के खेल मतीन। डॉट बॉल बहुत जा रहे हैं, 29 रन्स होते हुए। ये सिंगल रन है, कोई नहीं, नाइस नहीं। मुजम्मिल इस लीग का पहला बॉल खेलते हुए इस टूर्नामेंट का, एक साल बाद फिर से एक ग्राउंड पे आते हुए, ये भी बहुत बेहतरीन प्लेयर है, देखते हैं आप पहला बॉल इनको। और ये इन्होंने ऑफ साइड में बहुत बेहतरीन तरीके से मारा है जो कि चार रन की ओर जा सकता है, भाग के ले सकते हैं हमारे प्लेयर्स, और ये नाइस मुजम्मिल भाई ने बहुत बेहतरीन ऑफ साइड में चौका मारा है। ये हमारी जो अंडरम टीम है उनके कप्तान रह चुके हैं बहुत बार, और जो अंडरम टीम की कमेटी है उनके उपाध्यक्ष भी रहते हैं, ये क्रिकेट में बहुत इनका क्रेज है, देखते हैं। हाँ तो ये शानवाज भाई जो है कि समझाने के लिए जा रहे हैं कि आ सकते हैं रन, अभी रन कितने हो गए, 34, तो हमारे 18 बॉल में 34 रन होते हुए, और ये हमारे प्रेक्षक है जो बहुत सालों से आते हुए, ये हमारे टैनी है जिगरी दोस्त जिनकी अभी शादी है 19 तारीख को, हो सकता है तो आपको इनविटेशन दे रहा हूँ मैं, जो जो भी देखेगा 19 तारीख को जल्द से जल्द आए नाकिंदा में, और रांजनवाड़ी में इनकी शादी है। और ये जो हमारे प्लेयर है इनका नाम है राजा उर्फ बाबा, बाबा है ये इन्होंने स्कूल के सारे बच्चों को छुट्टी आज देकर यहाँ पर लेकर आए ग्राउंड पे, जो कि हमारे नाकिंदा के बहुत करता धरता अच्छे है, ये सारे स्कूल स्टूडेंट्स है। ये देखो ये साहिल भाई अब क्या बता रहे हैं कि कैसे खेलेंगे कैसे नहीं, देखते हैं अब। चलो शानू भाई समझाए उनको अच्छे से, चलो ठीक है। मतीन को बोला है ना रुक के खेलने के लिए, मतीन के बॉल है देख के खेलो, बॉल स्लो आ रहे, तो शाबाश। अब मतीन स्ट्राइक पे,
साहिल भाई मतीन को बोलते हुए आवाज देकर कि रुक के ले लो। साहिल भाई ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और लिंबो आउट हो गए। तो देखते चलो, अब ये चौथी बॉल है, सॉरी चौथी ओवर है ये। हम बिना जूम के ही निकालते हैं सारी, क्योंकि हमें अच्छे से निकालना होता है। तो ये चलो ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत स्लोअर गेंद और क्या रे ये लिंबू, ये बहुत गलत विकेट देते हुए। आयस भाई रुक के खेलो, विकेट फालतू की दो मत। सिंगल डबल से भी रन होते, आगे तक पहुंचाओ मैच। 40 रन मारने और आयस भाई अपने को मत। स्कोर तो आया पर विकेट नहीं जाना चाहिए, ताकि आगे जाकर हमारे प्लेयर्स जो है बिंदास खेल के लास्ट के जो 18 बॉल रहेंगे उसमें स्कोर ज्यादा जमा कर सके। एक बॉल हो चुका है इस फोर्थ ओवर का, आयस भाई स्ट्राइक पे। इस इनिंग का पहला ही बॉल, देखते हैं ये। ये पहला बॉल बहुत गंदा इन्होंने खेला था, अगर थोड़ा सा और हाई रहता तो कैच मिलता था। अब इसके बाद की जो भी कमेंट्री है वो मैं साहिल भाई के हाथ में देता हूँ। साहिल भाई ले लो। अरे हाथ दुखने लग गया हमारे, अभी मुंह भी दुखने लग गया। Yeah,